फ्रेंड्स, मैं आपको आईफोन का जो पिन लॉक होता है, अगर पिन लॉक है, डिसेबल हो गया है, तो उसको किस प्रकार से इस एप्लीकेशन के द्वारा अनलॉक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, मैं इस एप्लीकेशन का पूरा आपको सेटअप बताऊंगा। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लेना है। और इस एप्लीकेशन के द्वारा आप आईफोन का जो भी प्रॉब्लम है, हैंग ऑन लोगो है, डिसेबल हो गया है या पिन लॉक लग चुका है, तो उसको आसान तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है आपको, सिर्फ फ़ोन कनेक्ट कर लेना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और इसको डायरेक्ट जैसे ही इसका फ्लैश वर्जन और फाइल का ऑटोमेटिकली ये फाइल ले लेगा। इस प्रकार से इंस्टॉल करने के बाद इस प्रकार से इसका स्टार्टअप मेन्यू आ गया है। तो सबसे पहले हमें नीचे देख सकते हैं, अनलॉक एप्पल आईडी भी कर सकते हैं, रिमूव स्क्रीन लॉक टाइम भी कर सकते हैं और MDM लॉक भी है इसमें बाईपास का। कैनॉट शेयर जो आईफोन का अनलॉक टूल है, इसमें आप आईफोन को आसानी तरीके से डिसेबल जो ऑप्शन आता है, प्रॉब्लम आता है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका पिन लॉक रिमूव कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत इजी तरीके से प्रोसेस बताया हुआ है, आपको बस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद में इसका जो प्रोसेस है वो आपको इंस्ट्रक्शन के द्वारा बता दिया जाएगा। और इस प्रकार से इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं, इसको डिसेबल है वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इस एप्लीकेशन में है जो आप आईफोन में जो प्रॉब्लम आ रही है उनका आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आपको डाउनलोड मोड में, जो आईट्यून्स मोड में कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ऑप्शन जो बता रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, उस प्रकार से आप फॉलो कीजिए तो आसान तरीके से एकदम आपका ये फ़ोन प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये iOS अनलॉक स्क्रीन है, तो इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में पूरा इस प्रोसेस को बताया है कि किस प्रकार इसको अनलॉक कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, इसके बाद में आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस देखने के लिए, पूरा प्रोसेस समझने के लिए पूरा वीडियो देखना है आपको, किस प्रकार से मैंने आईफोन का डिसेबल प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया है, उसका पिन लॉक भी रिमूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको वीडियो का एक डेमो करके बताऊँगा, इस वीडियो में एक फ़ोन को अनलॉक करके डिसेबल ऑप्शन को सॉल्व करके, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं रिमूव स्क्रीन लॉक का जो है। अभी मैं डिसेबल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके बताऊंगा, आईफोन डिसेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना है आपको। तो सबसे पहले अनलॉक iOS स्क्रीन को, यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। ये सबसे ऊपर स्टार्ट पर क्लिक किया, स्टार्ट पर क्लिक करते ही हमें यहाँ कनेक्ट करने का ऑप्शन मांगेगा, यानी हमें फ़ोन को कनेक्ट कर देना है आईट्यून्स मोड में। आईट्यून्स मोड में किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं वो भी इस प्रोसेस में बता दिया है। अलग अलग फ़ोन अलग अलग टाइप से कनेक्ट होते हैं, तो आपको इस प्रकार से आईट्यून्स मोड में फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। ये देखिए, मेरे पास है आईफोन का 6S है, तो ये डिसेबल हो चुका है। ये देखिए स्क्रीन पर ये डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको अनलॉक करते हैं यानी ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसको आईट्यून्स मोड में कनेक्ट कर लेते हैं, एक बार इसको फ्लैश मोड में कनेक्ट कर देना है। ये देखिए हमारे पास है आईफोन इज़ डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है, तो सबसे पहले इसको पावर ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद केबल के द्वारा इसको इस प्रकार से, इसमें प्रोसेस बता दिया है किस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है, पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है इसको किस प्रकार से आईट्यून्स मोड में कनेक्ट कर देना है। अभी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसको पावर ऑफ कर लेते हैं, पावर ऑफ कर लेना है आपको मोबाइल को। ये पावर ऑफ कर लिया हमने, पावर ऑफ करने के बाद में हमें इसमें होम की प्रेस करके रखना है और USB की इसमें लगानी है, ये USB केबल लगानी है। इस प्रकार से ये हमारा मोबाइल चला गया आईट्यून्स मोड में, यानी फ्लैश मोड भी बोल सकते हैं इसको, तो ये डायरेक्ट इस मोड में चला गया है। अभी कनेक्ट करने के बाद में ये सीधा हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पर इस फ़ोन की डिटेल पूरी आ जाएगी, ये फ़ोन की डिटेल सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। तो हमें वहाँ से इसको फ्लैश कर देना है, फाइल का वर्जन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है कौन सी फ़ाइल लेनी है, इसके बाद में फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश होने के बाद में इस प्रकार से ये बूटिंग होगा, बूटिंग में कुछ टाइम लग सकता है, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको बूट होने देना है। ये हमारा फ़ोन अभी फ्लैश हो चुका है। अभी जो आईफोन डिसेबल का ऑप्शन आ रहा था वो हट चुका है, अभी स्टार्टअप मेन्यू आ रहा है, तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इसको फ़ोन को ओपन कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बार, इसके बाद में आपको बताते हैं। इस एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, कोई भी आईफोन हो तो इसको अनलॉक करने का एकदम ईजी सा तरीका है। तो इस प्रकार से हम इसको फॉर्मेट कर लिया है, तो फॉर्मेट करने के बाद में हमें जो फ्लैश भी कर लिया है हमें, तो अभी हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा ओपन हो चुका है,
एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। एकदम इजी से तरीका है इसको फ्लैश करने का। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके